देश में राजनीति के धनी पीएम नरेंद्र मोदी से कोई भी अपरिचित नहीं है। वर्तमान में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की होती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68 साल के हो चुके हैं, लेकिन सच में ये एक ऐसे लीडर हैं जिनके सामने सारी मुसीबतें कमजोर पड़ जाती हैं। ये उनका व्यक्तित्व ही है जिसके कारण आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और विश्व की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। गुजरात के मेहसाणा में जन्म पीएम नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। पीएम मोदी ने अपने जीवन की शुरुआत अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर की। चाय की दुकान संभालने के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। मोदी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने स्कूल के पुस्तकालय में घंटों बिता दिया करते थे। उनके सहपाठी और शिक्षक बताते हैं कि मोदी शुरू से ही एक कुशल वक्ता थे और उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी। वो नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लेते थे। नरेंद्र मोदी को खेलों में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। मोदी हिंदू और मुस्लिम दोनों के त्योहार बराबर उत्साह से मनाते थे। मोदी बचपन से ही बहुत बहादुर थे। एक बार वो एक मगरमच्छ के बच्चे को हाथ में उठा कर ले गए। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेन में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भी मोदी के जवानों की खूब सेवा की। इस चाय के सफर ने उन्हें एक दिन राजनीति के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। मोदी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरएसएस के प्रचारक के तौर पर की। नागपुर में शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे एबीवीपी के नाम से जाना जाता है, उसकी गुजरात यूनिट की कमान सौंपी गई। 1987 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ज्वाइन की। एक प्रभावशाली संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो गुजरात में बीजेपी की जीत के लिए निर्णायक साबित हुई। इस वक्त तक गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल बड़े नेता के तौर पर स्थापित थे। 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाया गया, क्योंकि केशुभाई सरकार का प्रशासन नाकाम साबित हो रहा था। उस वक्त कई नेता मोदी की काबिलियत और नेतृत्व को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आए थे। 2002 में भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के राजनेता के व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण एक अलग कदम उठाना था। फरवरी 2002 में गोधरा बवाल के बाद गुजरात में पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा गया। मोदी सरकार पर आरोप लगा कि उनका प्रशासन मूर्ख दर्शक बनकर रहा और कई जगह पर वो सख्त कदम नहीं उठा पाए। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी को वाजपेयी जी ने भी राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी। इस वक्त अपने विरोध को बढ़ते देखकर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद हुए असेंबली चुनाव में फिर से मोदी ने स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल की। मोदी ने न केवल सीएम के रूप में अपना टर्म पूरा किया, बल्कि जीत की हैट्रिक भी लगा दी। बाद के लगातार दो असेंबली चुनावों में भी वो बहुमत हासिल कर वापस आए। मोदी की कट्टर छवि और जीत हासिल करने की क्षमता का ही असर था कि बीजेपी में उनका कद बढ़ता चला गया। यही नहीं, अपने राजनीतिक विरोधियों को भी मोदी ने बारी बारी से हाशिए पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। मोदी ने विकास में विकास का ऐसा मॉडल पेश किया कि गुजरात का विकास मॉडल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। कॉरपोरेट जगत और इंडस्ट्री द्वारा मोदी सरकार का गुणगान। गुजरात में लाखों करोड़ रुपए का निवेश होने और प्रशासन को कुशल मैनेजर की तरह चलाने की मोदी की काबिलियत का बीजेपी ने जमकर बखान किया, लेकिन उनकी सांप्रदायिकता का चेहरा भी उनके साथ साथ चलता रहा। 2013 जुलाई में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन नियुक्त किया, जिसके साथ ही उनका अगले चुनाव के लिए पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ हो गया। वरिष्ठ पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी के कड़े विरोध को दरकिनार करते हुए 13 सितंबर 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को आखिरकार 2014 के आम चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया। इसी के साथ ये पार्टी में मोदी के उदय और आडवाणी के राजनीतिक अवसान की उद्घोषणा बन गई। नरेंद्र मोदी की सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। चुनाव के समय वो केवल 3-4 घंटे ही सोते थे, एवं प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो 18 घंटे कार्य करते हैं। मेहनत से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है एवं सफलता के सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये मोदी की मेहनत ही है जिसके कारण एक चाय बेचने वाला आज भारत का प्रधानमंत्री है। वो मुसीबतों से नहीं डरते और हमेशा प्रेरित और उत्साहित रहते हैं। आत्मविश्वास वही होता है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता। मोदी के व्यवहार कुशल और कुशल वाणी के धनी। मोदी जब जनता के सामने बोलते हैं तो वो जनता की बात करते हैं और तेज आवाज से बोलते हैं, एवं वो जब विदेशों के प्रमुखों के साथ बातचीत करते हैं तो बड़े आराम एवं शांतिपूर्ण तरीके से उनके साथ बातचीत करते हैं। मोदी जहां भी जाते हैं वहां के हो जाते हैं। मोदी जहां भी जाते हैं वहां पर अपना एक अलग परचम लहरा देते हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।